नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और हर साल की तरह इस साल भी श्रीमती स्वदेश चोपड़ा की पुण्यतिथि पंजाब केसरी परिवार मना रहा है, तो आज उनकी पुण्यतिथि है और ये लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल जो है श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की ये पुण्यतिथि, और पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी उनकी पुण्यतिथि को सामाजिक कार्यक्रमों के तौर पर पंजाब केसरी परिवार मना रहा है। और पंजाब केसरी परिवार ने उसी के चलते जिस तरीके से अभी आप देखें, फिलहाल तो श्रद्धांजलि देने का, उनको श्रद्धांजलि दे करके और यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, तो पहले श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे पहले श्रद्धांजलि जो देने पहुँचे हैं उन्हीं से बात करते हैं। आप बताएं कि पंजाब केसरी परिवार हर साल की तरह इस साल भी एक स्वास्थ्य कैंप, चेकअप कैंप का आयोजन कर रहा है। आज श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि है और आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या करें? मैं सुरेंद्र माड़ू, एमिनेंट पर्सन CM इंडो रोहतक। मैं सबसे पहले तो श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की 9वीं पुण्यतिथि पर उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं, और मैं पंजाब केसरी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में एक जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पत्रकारिता के जगत में, उसके साथ साथ पंजाब केसरी परिवार एक सामाजिक कार्यों में भी हमेशा बढ़ चढ़ कर लोगों को जागरूक करने की बात हो या लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की बात हो, हमेशा पंजाब केसरी परिवार अग्रणी भूमिका में रहता है। और आज जिस प्रकार से श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की 9वें पुण्यतिथि के अवसर पर एक ये चुन्नीपुरे की जो सैनी धर्मशाला, इसमें स्वास्थ्य जांच शिविर जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और आसपास के जरूरतमंदों को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी दी जा रही है, और उनको अपने अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए उनको डॉक्टरों के द्वारा बेहद लाभदायक परामर्श भी दिया जा रहा है। मैं फिर एक बार श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी के चरणों में नमन करता हूं और पंजाब केसरी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इस तरह अपने सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका में रहें। क्योंकि सैनी शिक्षण संस्थान अब की बार यहां पर इसमें सहयोग कर रहा है, तो क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए यहाँ पर? श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि पर जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, उसी के अंतर्गत हम लोग बच्चों का और स्टाफ का चेकअप यहाँ पे करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय कैंप बात है पंजाब केसरी परिवार की तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य इंसान ही देश में, अपने देश में, प्रदेश में और अपने परिवार में जब ही आगे बढ़ सकता है जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो, तो ये बहुत ही सराहनीय बात है। और पंजाब केसरी तो एक ऐसी अपनी भूमिका निभा रहा है 1 अखबार होने पे, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कुछ भी हो, उसी आवाज़ को बड़ी सच्चाई से उठाता है, और मैं हमेशा इनकी आवाज़ के साथ बुलंद रहती हूँ। धन्यवाद। तो आप देखें कि ये लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे थे, तो फिलहाल स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, सैनी शिक्षण संस्थान के बच्चे उनका स्वास्थ्य जांच की जा रही है, और इस स्वास्थ्य जांच में सिविल हॉस्पिटल रोहतक की टीम और इसके अलावा JR किसान जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो उनकी स्वास्थ्य टीम यहाँ पर स्वास्थ्य जाँच कर रही है। तो इधर आप देखें कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर जो ये स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है श्रीमती स्वदेश चोपड़ा की पुण्यतिथि पर, उसमें उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है, और स्वास्थ्य जांच करने के बाद अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, तो दवाइयाँ देने के लिए भी मुफ्त में दवाइयाँ हैं, मुफ्त में स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक पंजाब केसरी परिवार जिस तरह से हर साल इस तरह के कैंप आयोजित करता है, और चाहे वो कोई भी मौका हो, उस हर मौके पर जो है इस तरह के स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए जाते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं जो डॉक्टर यहां पर पहुंचे हुए हैं स्वास्थ्य जांच करने के लिए, सिविल हॉस्पिटल रोहतक की टीम है, उनसे बात करते हैं। मैडम, किस किस तरीके से स्वास्थ्य जाँच की जा रही? जैसे कि आप सबको पता है, आज पंजाब के श्री परिवार श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि पे ये अरेंजमेंट कर रही है। विभिन्न परिवारों, विभिन्न मेडिकल टीम्स यहाँ पे आई हुई हैं, हमारी भी टीम आई हुई है और होम्योपैथ की भी आई हुई है,
हम यहाँ पे खून की जांच कर रहे हैं, एनीमिक पेशेंट्स को देख रहे हैं, बीपी की जांच हो रही है और शुगर की जांच हो रही है, और जैसे जैसे उनकी स्वास्थ्य के हिसाब से उनको बीमारियां हैं उनको दवाइयां दी जा रही हैं, ये सब हमारा अरेंजमेंट है। तो मैडम, क्योंकि पंजाब केसरी परिवार हर साल इस तरीके के कैंप आयोजित करता है, आप लोग उसमें सहयोग करते हो, तो क्या कहना है? हाँ, ये जान के मुझे बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि मैं तो इसी साल इस परिवार का हिस्सा बनी हूँ, मुझे अभी पता चला कि पंजाब केसरी परिवार हर साल ये अरेंज कराता है, ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको इसका बहुत लाभ मिलता है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें, ये जो है वो सिविल हॉस्पिटल की टीम, सिविल हॉस्पिटल की टीम थी जो यहाँ पर स्वास्थ्य जांच करने के लिए पहुंची हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके से स्वास्थ्य जांच की जा रही है आप देख सकते हैं, और ये जो कैंप लगाया गया है ये कैंप फिलहाल स्वास्थ्य जांच के लिए पंजाब केसरी परिवार की ओर से लगाया गया है। श्रीमती स्वदेश चोपड़ा की जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर ये कैंप लगाया गया है, तो स्वास्थ्य जाँच की जा रही है और हर तरीके से चाहे कोई भी। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप लोग जांच कर रहे हो, आज ये कैंप का आयोजन किया गया है? ये पहले सबसे पहले मैं अपने जो श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी की जो नौवीं पुण्यतिथि है, नौवीं पुण्यतिथि पर जो अपने स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया है, मैं पंजाब के सी मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय समय पर ये जो कैंप लगाते हैं समाज में जागरूकता का अभियान जो है लोगों में जागरूकता आती है। दूसरा, ये जो हम जो हमारा जो ट्रीटमेंट है ये एक नेचुरोपैथी के अंडर आता है और हम इसको एक्यूप्रेशर करते हैं, यानी कि वुडन यानी कि एक्यूप्रेशर करते हैं, कोई भी यानी कि बीमारी ए टू जेड ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारे से ठीक ना होती हो, बट ये है कि एक नेचर ट्रीटमेंट के द्वारा ये सारा ट्रीटमेंट होता है। तो पंजाब केसरी परिवार इस तरीके के आयोजन हर साल करता है और साल में दो बार भी हो जाते हैं, पुण्यतिथि है या जयंती है, हर उस पर कार्यक्रम करता है, तो पंजाब केसरी समूह के लिए आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं पंजाब केसरी समूह मीडिया को जो कि एक विश्व विख्यात मीडिया है और ये लोगों को समाज का एक दर्पण है जो कि लोगों को यानी कि समाज के प्रति जागरूक करना, जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखना है ऐसी समाज को दर्पण के द्वारा दिखाना, और दूसरा ये है कि जो ये कार्य कर रही है एक तारीफ़ के काबिल है। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई कोई भी मीडिया है जो समाज के प्रति समर्पित भी है और समय समय पर कार्यक्रम भी करती है, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो पंजाब केसरी समूह का आभार व्यक्त कर रहे हैं। पंजाब केसरी की जो टीम है रोहतक की, वो इसमें अहम भूमिका निभा रही है इस कैंप में, और आज श्रीमती स्वदेश चोपड़ा की जो पुण्यतिथि है उस पर ये कार्यक्रम है। मेनपाल जो यहाँ पर पंजाब केसरी अखबार के ब्यूरो हैं रोहतक, मेनपाल इस तरह के आयोजन हम हर साल करता है पंजाब केसरी समूह, तो साल में कितने आयोजन होते हैं इस तरीके के और क्या क्या आप लोगों की तरफ से किया जाता है? दीपक, हम हर साल पुण्यतिथि पे ये कैंप तो लगाते ही हैं, लेकिन हम साल में एक बार रक्तदान शिविर भी लगाते हैं, और हम ऐसे जितने भी कार्यक्रम हम अपने अखबार की तरफ से जो लोग हमारे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हम उनके साथ जुड़कर हम ये समाज सेवा के कार्य निरंतर करते रहते हैं। साल में ये नहीं कि हम एक ही दिन उनके साथ जुड़ते हैं, बहुत से आयोजक हैं, NGO हैं जो हमसे जुड़ के कैंप लगाते हैं और हम उनकी हर संभव मदद कराते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल के माध्यम से हो और NGO हैं जो समाज सेवा के कार्य कर रही है, हम उनके साथ मिलकर इस तरह कैंप के आयोजन करते रहते हैं। तो आपको सहयोग, जैसे मेडिकल की जो टीमें आती हैं उनका भी सहयोग मिलता है किस तरीके से? बिल्कुल दीपक भाई, इनका हमें सहयोग इसलिए मिलता है कि जैसे हमें लैब टेक्नीशियन मिलते हैं, जैसे ब्लड के टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, इस तरह के जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अपनी मशीनें लेके कई बार आते हैं और वो उनसे टेस्ट करके लोगों को बड़ा फायदा मिलता है। हमको बाद में भी फोन आते हैं कि हाँ आपने ये कैंप लगाया, हमारे ये दर्द था, और हम उससे स्पेशलाइज से मिलते हैं कई बार, जैसे कई को पता नहीं होता कि हमारे किस तरह की बीमारी है, कैंप में आए उनको पता लग गया शुगर हो गया हमारे को या हम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, उसके बाद वो जाते हैं अपना पर्टिकुलर इलाज करा पाते हैं, इससे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल पाता है। तो आज स्कूल के बच्चों के लिए कैंप है? नहीं, आज स्कूल के बच्चों के लिए कैंप नहीं था, ये स्कूल साथ में था, इन्होंने हमसे कहा कि हम बच्चों का चेकअप कराना चाहते हैं। मैं कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को जैसे लड़कियों की बात करें इनमें एनीमिया की ज़्यादा हमारे को जितना नॉलेज है पता लगता है कि एनीमिया की कमी होती है इनमें, तो ये आते हैं इनसे उनको पता लगता है कि हम हमारे में ब्लड कितना है, सबसे बड़ी बात है अगर उसे टाइम से पता लग जाए तो उनको ये फायदा होता है कि वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दीपक,
तो पंजाब केसरी समूह की तरफ से आज श्रीमती स्वदेश चोपड़ा की पुण्यतिथि पर यह स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। हर साल इस तरह का आयोजन पंजाब केसरी समूह करता है और उसमें स्वयं सेवी संस्थाएं और डॉक्टरों की टीम, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हॉस्पिटल के डॉक्टरों, वो सभी सहयोग करते हैं और लोग भी इस तरह के आयोजनों को लेकर पंजाब केसरी समूह का धन्यवाद करते हुए नहीं थकते हैं। तो आज ये कैंप फिलहाल चल रहा है और इसमें स्कूल के बच्चों की तो स्वास्थ्य जांच की गई है, साथ में ऐसे लोग जो आसपास के लोग हैं वो भी फ्री में अपनी स्वास्थ्य जांच उन्होंने करवाई। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।